हाँ एक बात जरूर तुम जे कोई आगे यह कह जी फलाने पर पिछो करा दो बीवी लड़का दो वह काम है कोई पर काम है कोई हो नहीं काम तो छपो रहा के परचो है 300 का की तमाम तो क्यों है कि 10,000 ले जाओ और एक क्या पड़ी को प्रोग्राम रखा इतना बड़ा हालात प्रोग्राम बड़े और कह रहे हैं कि नारले गेड़े तो बिजली मंत्री बढ़ा अब कल गृह मंत्री बढ़ा तो कौन जता है मुंगेरी लाल का घड़ा ही असली सपना देखे नहीं आता है बंद करा दिया अब अचोई साहब ने कह दिया बड़े प्यार हूं चौधरी रणजीत सिंह जी ने बड़े प्यार हूं कह दे दी अब रिटायरमेंट ले लो बहुत ही आदरणीय है समाज आज जो पहुंचा गांव पीर खेड़गा मेरा सभी पिता तुल्य बुजुर्गो मेरा सभी हनुमत साथियों गांव में डरते ही मेरी आवाज आज के सभी ग्रामवासियों बस आगे आया बीएसपी वाले लोग सभी कार्यकर्ता साथी गए सारू पैको तो जी सारे ने मैं धन्यवाद कहना चाहूँ जैसे प्रकार मानो सम्मान हो सभी साथी जी मिलकर मारो स्वागत करो सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद है जी साथ ही साथ ही आज मुझे बड़े ही विशेष कारण जो थारे भी चाहिए यह कि अपन सारा नहीं जाने 5 तारीख में अपना आप चुनाव और आपकी हक की बात लड़ाई यह कि मैं हर बार कह करूं आपकी कोई विधायक की कोनी कोई एमएलए की कोनी कोई या मंत्री की कोनी आपकी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री लड़ाई के अंदर सर्व मोटो को योगदान जुटी में हो तो आपने रानी हल्के हो तो लगातार आपका सारा साथी इकट्ठा हो गया लगातार गांव गांव जान लग गया अब चुनाव का दिन की कम रह गया तो सभी साथ कह रहे थे आज के लिए की युक्ति है क्योंकि समय कम रह गए तो अपन हर घर से पहुंचना जरूरी है तो मैं तो यही कहूंगा कि साथी साथी अटाया है मेरा युवा साथी है मेरे बुजुर्ग है आप सारे गांव की टीम बनावा गांव की टीम बना के पैकलेट वगैरह सारा थारे पहुंचा देगा गांव की टीम बना के आप घर घर यानी डोर टू डोर जाने को आप काम कर जब आप हर घर तक जाऊंगा मैं आप पक्की बात को थाने को उठ तो खाली आप कौन मुड़ेगो आप घर घर जाऊंगा तो थारा वोट बचेगा ही बचेगा और जैसे आप घर घर जाऊंगा तो महंगे बाद अपनी जिम्मेवारी भी आगे खातर भी पड़े खासकर मेरे युवा साथी कहूंगा कभी भी थाने मेरे कभी कोई जरूरत हो कि एक बीच में बहुत आमली लगानी है तो यह कह देगा कि यार यू फंस गया जाना को पार्टी के शहर में हर मेरे साथ ही ना पर मैं गांव नहीं जा रहा हूँ थाने तो इतना ही कह रहे हैं कि भाई जी खेड़ा गांव हुआ बाकी मैं जाऊँ मेरे काम जाए कभी आपका गांव के अंदर कभी समाज खातर गांव खातर अपन कोई काम कर रहे थे हिजत ना रखो जमा ही आपके मन में ना तो कभी आज सोचे हो यार तो बीच वाले बंदे ने लेके जाओ जैसे गांव राम की समाज की कोई भी चीज आपका विकास को काम करना है तो भले खुले आइयो भले कभी मैं ना कहूंगा तुम हाँ एक बार जरूर तुम जे कोई आगे यह कह दी फलाने पर पिछो करा दो बीवी लड़का दो वह काम मैं करूंगा कई चीजों को आपका पेड़ो पुरानो है क्योंकि धने भी पेड़ है आपने तो मंत्री बनाया क्यों लोग बड़ी उम्मीद करता कि कोई काम बढ़िया काम हो कोई ढाणिया में बिजली ढंगू पहुंचेगी कोई पीने की सुविधा पहुंचेगी कोई गली गली ठीक हो जाए बारिश में कद हो जाए टावर में स्कूल आने जाना औखा हो जाए ऐसी चीजें ठीक होनी चाहिए पर काम है कोई नहीं काम तो छप हो रहा कि परचो हो 300 का कि तबादला हो10,000 ले जाओ और एक चाय पानी को प्रोग्राम रखा इतना बड़ा हालात अब तो एक चीज और कही सुनी मैं कि अब तो गांव गांव में क्या घर में लेके जावे कमरम बढ़े और कह रहे हैं कि नारले गेड़े तो बिजली मंत्री बढ़ा अब कल गृह मंत्री बढ़ागा फिर थारा सारा काम मिट्टी पाओ आगे थारा सारा काम कराना कोई ईमेल आ जाओगे तो ठीक है नहीं तो धमकाओ अगले गेड़े गृह मंत्री बढ़ाऊंगा आप देख लिए मसाई है बिजली वाले पर तो आप बताए मैं तो कौन जता है मुंगेरी लाल का घड़ा ही असली सपना देखे नहीं आता है बंद करा दिया
बचोई साहब ने कह दिया बड़े प्यार हूं चौधरी रणजीत सिंह जी ने बड़े प्यार हूं कह दे दी अब थे रिटायरमेंट ले लो पर तो लड़न लाग रहे आप मिलके काम करना है माने अब काम करना है बाकी जो मैं दादा लंबो चौड़ो भाषण कौन दू क्योंकि भाषण मैं दूंगा 3 तारीख में थारी है चौधरी प्रकाश चौटाला जी अगर मैं तो कह दू ये तो चौटाला साहब को भाषण सुनियो चौधरी अमर सिंह जी को सुनियो और जरूर सभी साथी आपने दोपहर 2:30 बजे को आप लोग सारे रानी हल्की गुजर सोए थारिया गांव में 3 तारीख ने सारे ने मेरी विनती है कि सारा साथी जरूर ये सभी आया सारा साथी माने तो मान में सम्मान दियो सभी साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद है जी।